स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत में पाठ 14 कर्म कारक। पाठ 14 कर्म कारक। कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति, ठीक है। पहला है कर्ता और दूसरा है कर्म। कर्म कारक, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही आती है। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, वाक्य में जिस व्यक्ति या फिर वस्तु हो उस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। राम खगम पश्यति, राम पक्षी देखता है। इस वाक्य में आप देखते हैं यहाँ राम किम पश्यति, राम क्या देखता है, राम क्या है, कर्ता, ठीक है। और राम क्या देखता है, जो प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा, खगम अतः राम करता है, और खग कर्म, जो प्रश्न हम करते हैं उसका जो हमें उत्तर मिलता है वो होता है कर्म, ठीक है। कर्ता कर्म में प्रथमा और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आती है। हमेशा कर्ता में प्रथमा आएगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए हम देखते हैं इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से। रामा खगम पश्यति, ये राम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रामा खगम पश्यति, राम पक्षी, पक्षी को देखता है। तो राम क्या, राम यहाँ करता है और क्या इसना, इसका कर्म क्या है, पक्षी को देखना। तो खगम, खगम में द्वितीय विभक्ति है। पितामह खगो पश्यति, एक वचन द्विवचन बहुवचन दोनों को हम यहाँ साथ साथ समझेंगे, तीनों वचनों के रूप को। रामा खगम पश्यति, राम पक्षी देखता है। पितामह खगो पश्यति, पितामह दादाजी, पक्षी दो पक्षियों को देखते हैं, दादाजी दो पक्षियों को देखते हैं। नंदिनी खगान पश्यति, नंदिनी कई सारे पक्षियों को देखती है। खगम एक वचन, खगो खगम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों के रूप है। अब इसमें यहाँ देखते हैं स्त्रीलिंग के, वंदना मालाम धारयति। वंदना क्या धारण कर रखा है वंदना ने, माला, एक माला को उसने धारण कर रखा है। महिला माले स्पृशति, एक महिला है वो मालाओं को क्या करके देख रही है, वो छू करके देख रही है, उसको स्पर्श कर रही है। बालिका माला गुम्फती, गुम्फती होता है गूथना, मालाओं को गूथना एक धागे में, मालिका माला गूथ रही है। वंदना ने माला को धारण कर रखा है, महिला माला को स्पर्श कर रही है, बालिका माला गुम्फती, बालिका माला को गूथ रही है। आप इस चित्र में, इस तस्वीर के द्वारा देख सकते हैं। और देखिए शुकर, शुकर था तोता, शुकर फलम खादति, तोता फल खाता है, एक ही फल है शुकर, इसलिए यहाँ भी एक वचन है और इसकी जो क्रिया है ये भी एक वचन की है। शुकर फलम खादति, तोता फल खाता है। विजय फले खादति, विजय दो फल खाता है। उमा फलानी खादति, और उमा बहुत सारे फल खाती है। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले, और बहुवचन में फलानी। तोता एक फल खाता है, विजय दो फल खाता है, और उमा कहीं अधिक फल खाती है। तो इस पाठ में आए खग माला और फल कर्म है। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि कर्म में लगने वाली द्वितीय विभक्ति का रूप लिंग और वचन के अनुसार ही बदल जाता है। थैंक यू।